हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरा केमिस्ट्री। आज हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, जिस जो कि सीएसआईआर नेट में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल आपके सामने जो लिखा हुआ है वो कौन सा है, जैसे कि लिखा हुआ है, ये भी नेट में एग्जांपल आ चुका है, W2OPH6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे, ये भी कैसा है, बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर है, और ये भी कैसा एग्जांपल होगा, आयनिक होगा। ठीक है, आयनिक के लिए हम लोग रेनियम कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। हमें पता है कि अगर ये फिनॉल होता है, ये क्या है, ओपीएच लिखा हुआ है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये फिनॉल होता है। ठीक है, अगर एक प्रोटॉन यहां से रिमूव कर दें तो ओ माइनस ऐसे बच जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन हो जाएगा। अब ये क्या चीज है जो ओपीएच लिखा हुआ है, ओपीएच का मतलब है, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन ही है। ओपीएच यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फिनॉक्साइड आयन है, दैट इज यहाँ पे 6 फिनॉक्साइड आयन है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट टंगस्टन की निकालने यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2x + -1 × 6 = 0 ये होगा। तो 2x = +6 and x = +3 आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो टंगस्टन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते टंगस्टन की, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर दूसरे टंगस्टन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D3 कॉन्फिगरेशन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का सम कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर देंगे इसमें, एक होती है सिग्मा, फिर पाई, फिर डेल्टा, फिर क्या होती है डेल्टा पाई एंड सिग्मा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, और नीचे वाली क्या होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये सिग्मा होती है, ये पाई और एक डेल्टा होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 - 0.2 = 3 आएगा। दैट मीन्स मेटल मेटल यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कैसा होगा, टंगस्टन 3 बॉन्ड होंगे और ओ पी एच ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, अब टंगस्टन और मॉलिब्डेनम एक ही फैमिली में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। तो यहाँ पे D3 कॉन्फिगुरेशन यहाँ पे भी होगा, दूसरे टर्म मॉलिब्डेनम की भी +3 होगी, D3 कॉन्फिगुरेशन यहाँ पे भी होगा। टोटल सम कर दे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 - 0.2 = 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एग्जांपल है मॉलिब्डेनम सल्फेट का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, 2x प्लस सल्फेट जो होता है वो -2 होता है, × 4 कर दे, सॉरी सल्फेट जो है वो -2 होता है। ठीक है, अब ये -2 है, दिस इज इक्वल टू -4 है। तो आप देखेंगे 2x दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, सॉरी इसमें यहाँ पे 4 लिखा, इसमें देखिए फिर से इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 माइनस ऐसे ही लिखा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये हो गया 2x + -2, सल्फेट होता -2 × 4 कर दे, दिस इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x दिस इज इक्वल टू 8 इधर चला जाएगा तो -4 + 8। ठीक है, तो 2x = +4 and x = +2 होगा। दैट इज यहाँ पे भी मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी आ गई, +2 आ गई। अब +2 स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल के कितने बचे, 4। ठीक है, दूसरे मॉलिब्डेनम एटम में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 निकल गए तो 4 बचे, अगर दोनों कसम कर दे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए।
अब 8 इलेक्ट्रॉन हमने पहले भी देखा था, 8 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो सारे के सारे किसमें आएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर में आएंगे। दैट इज यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें तो 8 - 0.2 = 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या होगा, मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 2 - 2 × 4 दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x दिस इज इक्वल टू, ये -8 इधर चला जाएगा, ये ना हो जाएगा -2 + 8, तो ये हो जाएगा x 2x दिस इज इक्वल टू +6 एंड x दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, +3। दैट इज यहाँ पे मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, +3 स्टेट में ऑक्सीडेशन कंफर्मेशन क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे मॉलिब्डेनम एटम की भी +3 है, D3 कंफर्मेशन हो जाएगा। दोनों का सम कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर को फिल करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 - 0.2 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आ गया आपका 3। दैट इज मेटल मेटल 3 बॉन्ड होंगे इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो ये वाला है, ट्राइफॉस्फेट। अब इस एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, ये किससे लिखा, HPO4 लिखा हुआ है। तो HPO4 देखिए, H3PO4 होता है, H3PO4 होता है, अगर इसको हम आयनाइज करें तो ये H+ + HPO4- बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, HPO4 लिखा है, इसका मतलब ये HPO4 बाइफॉस्फेट आयन होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये होगा 2x + -1 × 4 - 1 × 4 दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो क्या हो गया, 2x - 4 = -2, देन 2x दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका +2 एंड x दिस इज इक्वल टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब यहाँ पे मॉलिब्डेनम एटम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो D5 कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो D5 बचेगा। सिमिलरली दूसरे मॉलिब्डेनम एटम के +1 ऑक्सीडेशन में भी D5 कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। दैट इज यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 8 - 2 / 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3। बस समझ आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।